जय सिया राम। दिव्य ज्ञान परमार्थ से मैं मयंक त्रिपाठी। प्रिय मित्रों, आने वाला यह 3 दिन बहुत खास होने वाला है, बहुत आपके लिए फायदेमंद होने वाला है, क्योंकि भीष्म पंचक के दौरान अगर आप ये उपाय कर लेते हैं तो आपके हर कष्ट का निदान हो सकता है। प्रिय मित्रों, जब महाभारत युद्ध के बाद पांडवों की जीत हुई, तब भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को लेकर के पितामह भीष्म जी के पास गए और उनसे अनुरोध किया कि आप पांडवों को ज्ञान दें। भीष्म ने कृष्ण का अनुरोध स्वीकार किया और भीष्म पितामह जी ने कृष्ण सहित पांडवों को राजधर्म, वरधर्म और मोक्ष धर्म आदि का ज्ञान दिया। प्रिय मित्रों, कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी को भगवान कृष्ण 4 माह निद्रा के बाद उठते हैं, जागते हैं। इस एकादशी को देव उठनी एकादशी कहा जाता है। इसी दिन तुलसी विवाह भी किया जाता है, इसका शास्त्रों में वर्णन है। देव उठनी एकादशी के दिन से लेकर के पूर्णिमा तक का यह भीष्म पंचक चलता है, इसीलिए इसे भीष्म पंचक कहा जाता है, क्योंकि यह 5 दिन का होता है, इसे भीष्म पंचक कहते हैं। भीष्म पंचक के दौरान स्नान, दान, व्रत का एक विशेष महत्व है। जो लोग कार्तिक का स्नान नहीं कर पाते हैं, उन्हें भीष्म पंचक का व्रत करने से ही पूरे कार्तिक मास का स्नान का फल प्राप्त हो जाता है। शास्त्रीय मान्यता के अनुसार इस दौरान भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी की पूजा के साथ भीष्म पितामह की भी पूजा की जाती है। कार्तिक मास से की त्रयोदशी से पूनम तक के अंतिम 3 दिन पूर्णमयी तिथियां मानी जाती हैं। इनका बड़ा विशेष प्रभाव माना गया है। अगर कोई कार्तिक मास के सभी दिन वह स्नान नहीं कर पाए हैं तो उसे अंतिम 3 दिन ही सुबह सूर्योदय से थोड़ा पहले ही स्नान कर लेने से संपूर्ण कार्तिक मास के प्रातः स्नान के पुण्यों का प्राप्ति हो जाती है। अब आइए मित्रों, जानते हैं भीष्म पंचक के दौरान हमें कौन से उपाय करने हैं। प्रिय मित्रों, ज्योतिष शास्त्र की ऐसी मानता है कि कुछ उपाय किए जाएं तो विवाह में आ रही बाधाओं का निवारण होता है और मनचाहा वर की प्राप्ति किया जा सकता है। तो आइए जानते हैं कौन से उपाय हैं। प्रिय मित्रों, भीष्म पंचक के दौरान आप 7 साबुत हल्दी की गांठ लें, चना की दाल लें, गुड़ लें और केसर लें। इन सब को लेकर के आप पीले कपड़े बांध करके अब इसे भगवान विष्णु जी के मंदिर जा करके भगवान विष्णु जी को चढ़ा दीजिए। ऐसी मानता है कि इस उपाय से आपके विवाह के जल्दी ही योग बनने लगते हैं। भीष्म पंचक के दौरान तेल का दीपक तुलसी के लिए जलाएं। ऐसी मानता है कि इससे विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती हैं और सुयोग्य वर मिलता है। साथ ही इस दौरान आप अपने कक्ष में, रूम में राधा कृष्ण की तस्वीर लगाएं। माना जाता है कि इस उपाय से मन चाहा साथी मिलता है। भीष्म पंचक के दौरान आप शाम को तुलसी जी के पौधे के पास गाय के घी या सरसों के तेल का दीपक जलाएं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा करने से घर परिवार में चल रही बाधाएं दूर होती हैं और घर में सुख समृद्धि, शांति व खुशहाली का वास होता है। इसके साथ ही वैवाहिक जीवन में मधुरता और प्रेम बनाए रखने के लिए माता तुलसी जी को आप श्रृंगार का सामान चढ़ाएं और फिर उसे किसी आप सुहागिन स्त्री को दान दे दें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका जीवन बेहतर हो सकता है, आपके जीवन में प्रेम, वैवाहिक जीवन में मधुरता आएगी, प्रेम बढ़ेगा और आपका जीवन खुशहाली से बीतेगा। बस प्रिय मित्रों, इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय सिया राम।